अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और नाश्ता कर रही थी जी, फटाफट नाश्ते को गर्म किया, चाय बनाई और नाश्ता किया। और उसके बाद जी आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रमज़ान ग्रॉसरी और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, किस प्राइस में लेकर आई हूँ, वो कोशिश की आपको बताने की। यहाँ मैं इम्तियाज़ पहुँच चुकी थी और यहाँ अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं सब ग्रॉसरी कर रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो घर में आने के बाद जो जो मैं लेकर आई हूँ तो वो आपको दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और प्राइस के साथ हर चीज़ मैंने बताई हुई है कि क्या चीज़ कितने की आई है और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आपने रमज़ान की ग्रॉसरी। और क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं ख़ुद भी जब ये ग्रॉसरी करने के लिए जा रही थी तो मैं काफ़ी, जैसे मैंने सर्च किया था सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि इम्तियाज़ में प्राइस ठीक है या चीज़ में ठीक है या डायमंड में ठीक है, किधर ठीक है या कहाँ से चीज़ अच्छी मिलेगी, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे ये मैं अपनी प्राइस लिस्ट भी आपको बताती हूँ मैं कि हम लोग क्या चीज़ कितने की लाए हैं और मुझे बाकी सुपरमार्केट की निस्बत इम्तियाज़ क्यों बेटर लगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों से और मैं आपको साथ साथ कोशिश करती रहूँगी कि आपको प्राइस में बताती रहूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ें जगह पे लगा रही थी तो मैंने सोचा आपको भी मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इस वाली शॉप पर में है, मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे करती हूँ इस तरीके से ताकि आपको दिखने में आसानी हो। और भाई इसमें आ जाते हैं ये सारे मसाले। अब देखिए ये जो मैंने मसाले लिए हैं, आपको पता है इन मसालों की बहुत नीड होती है, जैसा कि अचार गोश्त, मैंने इसके दो डब्बे लिए हैं अचार गोश्त के। और ये मैंने कीमा मसाला लिया है, ये भी मैंने आई थिंक दो ही डब्बे लिए हैं, अब पूरे हों इधर, क्योंकि अलग अलग शॉपर्स में चीज़ें डाली होती हैं। तो मैं इनकी प्राइस ढूँढ के आपको बताती हूँ कि बाहर से हम जो मंगवाते हैं और ये जो हम लेकर आए हैं तो हमें कितना फ़र्क पड़ा है। ये मैंने लिए हैं चार, एक और कहीं ये रहा, ये देखो एक ही पड़ा हुआ, दो कीमे के लिए, दो अचार गोश के। ये स्टार्टिंग के दिनों के लिए इनफ है, वैसे तो पूरा मंथ नहीं चलेगा लेकिन शुरू के दिनों के लिए बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। मेन मेन मसाले लिए, इसके बाद मैं और मसाले भी लेकर आऊँगी जो कि मैं मिक्स मसाले लेकर आती हूँ, बनवा के लेकर आती हूँ, वो एक अलग है, ठीक है। जिसमें से मेन चीज़ें जो हमें पकौड़ों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगे तो मैं उनके लिए करूंगी। तो ये है जी लाल मिर्च। अब हम बाकी वीडियो बनाते हैं अजान के बाद। अच्छा, इसका मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे मिल गया है। तो ये देखें, लाल मिर्च हमें मिली है 200 ग्राम की 135 रुपए। ये इतना बड़ा पैकेट है ये, और 200 ग्राम है तो ये हमें मिला है 135 रुपये, बहुत अच्छी है। और ये जो है ना बहुत फ्रेश होती है, ठीक है। और ब्लैक पेपर हमें मिल, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च है और ये गरम मसाला है, ठीक है। ये जो गरम मसाला है ये है 100 ग्राम और 100 ग्राम मिला है 295, यानी कि 300 के अराउंड मिला है, लेकिन 500 रुपये कम, ठीक है। ये हमें मिला है 295 का और ब्लैक पेपर मिला है 219 का, जो कि है 100 ग्राम ये रहा। लेकिन इनकी काली मिर्च बहुत अच्छी होती हैं, बेस्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं काले चने और वाइट चने। तो चना ब्लैक जो कि है 1 kg 225, तो ये रे ठीक है, 1000 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये हैं 225, ये रे प्राइस, ठीक है। ये आ गया है 225 का। और वाइट चना है जो कि मैंने दो पैकेट लिए हैं हाफ हाफ kg के, तो वाइट चना भी यहाँ पे था, ये रहा वाइट चना है 230, बहुत अच्छा मिला है। और ये दो पैकेट लिए हैं तो 460 के हमें मिले हैं। अब आप ख़ुद लगा लीजिएगा कि क्या कितने का पड़ा इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, ये है ब्लैक सॉल्ट, तो ब्लैक सॉल्ट आया है 20 रुपीज़ का, ठीक है, 20 रुपीज़ का ये आया है, ये हो गया। अब ज़ीरा है, ज़ीरा भी मैं आगे देखूंगी कितने का है, तो भी बहुत ज़रूरी होता है हमें खुले मसालों में चाहिए, तो मैं इनको साथ साथ अलग कर देती हूँ।
क्योंकि मैं इनको अभी सेट करके रख रही थी, तो मैंने कहा चलें जी आपके लिए वीडियो भी बना देती हूँ मैं। ये सब एक एक जगह पे जाएंगे, मसाले अलग और बाकी चीज़ें अलग। केचप एंड बेसन इस शॉपर में क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। चले मैं इनकी पहले प्राइस ढूंढती हूँ, फिर मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। अच्छा जी, तो आते हैं बेसन की तरफ। तो बेसन है यहाँ पे 5 ग्राम ये रहा, और ये है 125 का, ये है 5 ग्राम और ये है 125 रुपये का। बेस्ट है भाई इनका बेसन, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब आते हैं नूडल्स। ठीक है, इसमें पड़े हुए नूडल्स, तो ये आए हैं 255 का। ये वाला पैक आया है 255 का। अजान हो जाए तो फिर मैं बाकी बताती हूँ। चलें जी, अजान हो चुकी है। तो ये मैंने आपको बता दी है 249 का है ये वाला पैक। इनके ऊपर मैंने लिख लिया था कि टाइम ना लगे। और केचप है जी 325 रुपये का ये है, केचप आ गया है। और ये है मेयोनीज, बड़ा वाला लेकर आई हूँ मैं, और इसके ऊपर भी मैंने लिखा है 525 रुपये। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे, जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ। तो ये है जी 525, और इसकी जो रियल प्राइस लिखी हुई ना वो 645 रुपीज़ लिखी हुई है। तो हमें ये डिस्काउंट में 525 रुपये मिला है। बेस्ट है, बेस्ट भाई। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं इस पे पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट है 79 रुपीज़ का। ठीक है, ये है 79 का ये वाला, जबकि हर चीज़ के ऊपर मैंने प्राइस लिखी है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं भूल जाती हूँ। और ये है जी शुगर, और शुगर है जी 1 kg 145 रुपये। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 145 रुपये 1 kg। ठीक है, ये है 145 रुपये, ये भी हो गया। और ये है मीठा सोडा, तो ये हैं 30-30 रुपीस के, तो मैंने 2 या 3 पैकेट लिए हैं आज। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, ये चिकन स्प्रेड है, और ये भी आया है 5.95। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है 5.95 का, ये वाला है चिकन स्प्रेड आया है। और राइस आए हैं 325 का ये है, लेकिन बहुत अच्छे राइस है, आप यहाँ से देख लें तो राइस अच्छे हैं। ये मैंने सिर्फ 2 ही पैकेट लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा कि रमज़ान आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, तो मैंने सिर्फ ये 2 पैकेट्स ही इनके लिए हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं ये शैम्पू, जो कि बड़ा ही वायरल हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं भी लेकर आती हूँ। तो ये आया है 1049 रुपीज़, ये मैंने लिखा है उसके अंदर से ढूंढ के, तो ये है 1045। अच्छा, इसके ना इसके अंदर जो पिंक जो सबसे बेस्ट है, तो वो ख़त्म हो चुका था। तो जैसे ही मैंने इसका पूछा ना, तो उन्होंने पहले ही बोला भाई आपको पिंक नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मुझे दे दें। तो ये ब्रश हम लेकर आए थे, ये 2 हैं 119 रुपये के। ठीक है, ये 2 वाले हैं, और ये 3 थे तो ये 159, यानी कि 160 की। इसके अंदर 3 थे जो कि सुबह बच्चों ने खोल दिए, तो इसीलिए फिर मैं आपको दिखा नहीं सकी। और ये है, ये भी आया है ग्लास शाइनर है ये, इसके ऊपर भी मैंने आई थिंक प्राइस लिखी थी। ये भी मुझे बड़ा सस्ता मिला है, इसीलिए मैंने 2 उठा लिए फटाफट। ये 165 का, ये 160 का मिला है, अब मुझे सही प्राइस याद नहीं है, मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ। देखें जी, मिल गया 165 का ये मिला है ये। ठीक है, जो कि मैं ये 250-300 का मैं ये लेकर आती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने ये 2 ले ली। ले तो मैं ज़्यादा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का बोले हाथ रखो भाई, जो इतना बड़ा नाम है अमाल है ना, तो ये बहुत लंबा है। डेंटोनिक बेस्ट टूथपेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मैं आपको 2 वेरिएंट दिखाती हूँ, इसमें 2 वेरिएंट है। ठीक है, लिए तो मैंने 3 है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो है वो 109 रुपये का है, ठीक है, और ये वाला जो है वो 79 रुपीज़ का है। तो इसमें बड़े साइज़ नहीं थे, तो इसीलिए हमें छोटे ही लेने पड़े। ये मैंने 3 लिए, ठीक है। चने की दाल, दालों में मैंने कोई दाल नहीं ली सिर्फ इसके अलावा, और ये आई है 125 रुपये की। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दाल तो यूज़ होती नहीं है, तो मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, बस वही लेनी है जो हमने यूज़ करनी है। तो इसके ऊपर भी मैंने लिखा। अच्छा, ये जो हम कॉइल लिक्विड का वो लगाते हैं, ये हम लोग यहाँ से लेते हैं 150 का, ठीक है, और यहाँ से हमें मिला है इम्तियाज़ से 139 का, यानी कि 10 रुपये का फ़ायदा है। तो ठीक है, 2 ये ले लिए थे। और उसके बाद जी चीनी मैंने आपको बता दी आई थिंक, हाँ यहाँ पे देखो मैंने प्राइस लिखी हुई थी, और मैंने दूसरा बता दिया था पैकेट 145। तो
इतने सारे राशन में सबसे कम जो चीज़ यूज़ होती है तो वो मेरे घर में ये हस्ती है ये, और सबसे कम यूज़ होती है। अभी भी मैं ये 4 किलो लाई हूँ, आप यकीन करें मेरा पूरा रमज़ान निकल जाएगा। और ये बेसन की भी प्राइस मैंने आपको बता दी है, ये भी शुगर है। अच्छा जी, अब वो वाली शॉपर में उठाती हूँ, उसमें क्या क्या है। 399 की आई है, ठीक है, ये रूह अफ़ज़ा आई है 399 की, ये है ठीक। अच्छा जी, ये आई है 1600 की, 15699 की आई है, ये 1599 यानी कि 1600 की ये आई है। ओहो, ये भी रह गया आई थिंक 150 रुपये का ये आया है, क्योंकि मैं छोटी बॉटल इसलिए लाई हूँ कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सिर्फ मैक्रोनी वगैरह बनानी हो तो ही ये यूज़ होती है, अदरवाइज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अब ये वाला सामान आगे करते हैं, 125 रुपये की ये रहा, ठीक है 125 का ये है। मैं 2 बॉक्स लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ानों में कभी बंदा बना लेता है तो मज़ा आ जाता है। राइस फ्लोर ज़रूरी 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 था ये राइस फ्लोर, ठीक है। तो राइस फ्लोर आए हैं, ये आया है 79 का, ठीक है, ये भी मैं 2 पैकेट लाई हूँ। इमली आई है 335 की, ये तो ये भी बहुत अच्छी है, ये भी रमज़ान की जो है ना बहुत बड़ी नीड है भाई। मैंने धनिया पिसा हुआ लिया है क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत वहाँ पे अच्छा लगा था, क्योंकि इनकी हर चीज़ जो है ना वो बड़ी फ्रेश थी। और धनिया पाउडर आया है 249 का 400 ग्राम, ये आया है 249 का 400 ग्राम आया है, ठीक है 400 ग्राम। और ये भी है जी राइस फ्लावर, ये भी है राइस फ्लावर। अब मैं वो वाली शॉपर्स भी आगे करती हूँ साथ। ये मैं लेकर आई हूँ हेयर ब्रश, जो कि आया है 555 का, ये आया है 555 का। और किंग टॉक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेड होता है भाई, और ये आया है 645 का, ठीक है ये रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, ये आया है बड़े साइज़ का 645 का, ठीक है। अच्छा ये वाला पाउडर ना मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने डेफोडिल्स को उठाया तो वो था 250, बट बहुत छोटी बॉटल, और ये मैं इतनी बड़ी लेकर आई हूँ पाउडर का, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसकी जो खुशबू है ये आया है 300 का। ये मैं लेकर आई हूँ रूम स्प्रे, और ये आया है जी 299 यानी कि 300 का ये आया है, बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी प्यारी इसकी स्मेल है। अच्छा जो मेरी तरह जिनकी अगर चॉइस हो फ्रेगरेंस की, जो मीठी मीठी जिनकी चॉइस ना हो, तो वो आप फिर ये ले सकते हैं, क्योंकि मुझे मीठी और वो जो अजीब टाइप की होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं पसंद। तो अगर जिनको मीठी टाइप वाले जो लोग नहीं हैं ना, तो वो ये वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जी बस आई थिंक सब कुछ फिनिश्ड हो गया है, और नहीं ये रह गया है, ये वाली रह गई है एक शॉपर। तो अब ये अच्छा ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी मोहम्मद, ये मैं रोल लेकर आई हूँ, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 405 रुपये का ये रोल आया है, और बहुत ही ज़बरदस्त आया है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये मैं इम्तियाज़ वालों का डिटर्जेंट लेकर आई हूँ, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा जो है ना, अभी मैंने प्राइस इसकी भी देखी थी, कहाँ गया, एक मिनट में पहले प्राइस देखूं, बहुत सस्ता है ये। तो मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा मैं यूज़ करूँगी, फिर जो है ना मैं देखूँगी, अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं मंगवाऊँगी दोबारा। जी ये डिटर्जेंट है 179 का, जो के है 700 ग्राम, ठीक है। ये मैं इम्तियाज़ वालों का डिटर्जेंट लेकर आई हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर रिव्यू दूँगी कि ये कैसा है। तो अभी तो मैं छोटा पैकेट इसलिए लेकर आई हूँ कि मैंने कहा मैं चेक करूँगी, अगर ये अच्छा हुआ तो आपको भी रिव्यू दूँगी, और इंशाल्लाह फिर मैं इसके जो बड़े बड़े होते हैं ना पैकेट वो मंगवाऊँगी। जी वाइट पॉलिश आई है ये रही, जो कि मैं अभी ढूँढ रही हूँ, बड़ा ही मुश्किल है हर चीज़ की प्राइस को जो है ना फ़ौरन कवर करना। 169 लिखा हुआ, लेकिन ये मुझे लगता है 150 की हमें मिली ये वाली। और दूसरी शूज़ पॉलिश भी लाएँ चेरी की, वो आपको पता है जो कि महंगी है, 350 की हम लेकर आए हैं। तो बस जी ये थी मेरी आज का ग्रॉसरी का सामान। अच्छा हाँ, वो मैं भूल गई, ऑयल मैं आपको दिखा देती हूँ दूर से, क्योंकि मैं उठा के नहीं ला सकती हूँ। तो वो देखें जी ऑयल, यार मेरे सामान में घी नहीं आया, क्यों
ये रहा घी 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 415 का, ठीक है, ये आया है 415 का, इसका नाम है अंदाज, ठीक है, अंदाज जो कि थोड़ा सा सस्ता था और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, बाकी तो बहुत एक्सपेंसिव थे लेकिन हमें ये ठीक लगा और मैंने यूज़ भी किया हुआ तो मुझे ये बहुत अच्छा। ये मैं अब आपको ऊपर करके थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये आप ऑयल जो है ना, वो वाला ऑयल, तो वो हमें मिला है 5 kg का 2000 का, ठीक है। और उसके बाद ये मैं आपको ऑयल का बता रही थी, ये आया है 2000 का, ठीक है। और ये वाला ऑयल है, मैं अब इतना बड़ा बॉक्स उठा के हाथ में नहीं ला रही हूँ। ये वाला जी आटा है, ये भी बहुत अच्छा है और आटा भी हमें मिला है। और ये देखें जी, आटा हमें मिला है 765 का 5 kg, और दो हमने लिए थे तो 1530 का हमें ये आटा मिला है, 2 पैकेट यानी कि 10 किलो का। अच्छा जी, आटे के बारे में और इन चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये रह गया था, ये है फलक वालों का मसाला है और दही बड़ों का, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। तो ये है 209 रुपये का, ठीक है, ये वाला जो पूरा आया है ये आया है 209 रुपये का आया है। अच्छा, ये वाला टैंक उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप ये लेकर जाएँ, ये बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, देखें। तो फिर हमने ये वाला लिया था 599 का, यानी कि 600 रुपये का ये आया है, लेकिन बहुत बड़ा है ये, ठीक है, तो ये अच्छा खासा चल जाएगा। और ये देखें, तो ये हमने लिया था, और ये ओट्स लिए 439 का ये पैक मिला है जो कि 500 ग्राम का है। तरंग के साथ मैंने ढेर लिए हैं जो कि मैं एक एक जो है ना लेमन डाल के इसको मैं यूज़ करूँगी, तो ये एक साशा है 2400 रुपये का। तो ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। निकाल देती हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये प्राइस के हिसाब से कैसा लगा। तो ये था मेरा आज का सामान, इनको मैं अभी समेटती हूँ, जगह पे लगाती हूँ, जो कि ये सारे काम रमज़ानों से पहले के ही होते हैं। चलें जी, लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।